नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। ये कहानी दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र के कोट गांव की है। पांच बेटियों की मां, जिनमें से एक बेटी और माने में असक्षम, परिवार में आय का कोई जरिया नहीं, बेटी की सयानी हो गई, उसकी शादी का जिम्मा अलग से। ऐसे में पहाड़ जैसी चिंता में डूबी रामदेवी को दिन रात अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे किए जाए, इस बात की चिंता सता रही है। लोगों से चर्चा के बाद आखिरकार वो विधायक ओम प्रकाश हुल्ला के निवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर विधायक का मन पसीज गया और उन्होंने दुखियारी मां को तसल्ली देते हुए उसकी सभी बेटियों की शादी करने की बात स्वीकार कर ली। विधायक हुल्ला ने रामदेव महावर से कहा कि आपका कोई बेटा नहीं है तो आप मुझे बेटा मान लीजिए। रामदेव महावर ने कहा कि विधायक साहब, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं घर से यही बात सोच कर आई थी कि आपको बेटा मान लूं और आपने पहले ही ये बात कह दी। उसके बाद विधायक हुड़ला ने रामदेव की बेटी को गोद लिया और रविवार को विधि विधान से शादी की रस्म पूरी की। हुड़ला ने अपनी मां और पत्नी के साथ उसकी बेटी के हाथ पीले किए और आवश्यकता अनुसार सभी घरेलू सामान भी कन्यादान में दिए। विधायक हुड़ला ने बताया कि कन्यादान में बर्तन, बेड, कूलर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी, सोने के कानों के आभूषण, नाक के आभूषण, लड़के लड़की को चांदी की अंगूठी और पायजे आदि सामान दिया गया। महावर हमारे पास आई और उनके पास पुत्र नहीं होने की पीड़ा हमें बताई, तो सबसे पहले तो रामदेवी महावर ने हमें गोद लिया और अपना बेटा बनाया, और जब बेटा बनाया तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। उनके पांच पुत्रियां हैं, जिनमें से दो पुत्रियों का वे विवाह पहले ही कर चुकी हैं, तीन पुत्रियों में से ये तीसरे नंबर की पुत्री है जिसका आज विवाह किया है, और बची हुई तीन पुत्रियां मैंने गोद ली हैं, एक का विवाह संपन्न कर दिया है हमारे सर्व समाज के सहयोग से, और बची हुई दो पुत्रियां जिसमें एक गूंगी भी है उसका भी मैं आने वाले समय में जब 18 वर्ष की हो जाएंगी उनका विवाह करूँगा, और हमारी बेटी जो चंद्रकला महावर है उसको मैंने गोद लिया है, और हमारे दामाद जितेंद्र महावर के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। मैं इनके सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो और इनका परिवार अच्छे से रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। ईश्वर हमें इसी प्रकार की ऊर्जा और शक्ति देता रहे ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों की सेवा जीवन भर तक करते रहें। अंतिम सांस तक मैं गरीब बेटियों की शादी करता रहूँगा और मैंने संकल्प लिया है कोरोना काल में जो हमारे जयपुर संभाग में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और दौसा में जिन बेटियों ने अपने माँ बाप खोए हैं उनको भी मैं गोद लेकर के उनकी भी शादी करने का काम करूँगा आने वाले समय में, ताकि हमारी बेटियों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़े। धन्यवाद। इसी तरह की देश, दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।